Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel, welcome back to another video. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज की वीडियो में जो है ना, मैंने तीन या चार जो है ना आई लाइनर हैक्स जो है ना वो ट्राई किया कि आप किस तरह जो है ना आई लाइनर लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मेरे ख्याल से मेकअप में जो है ना यही है कि आईलाइनर सही तरीके से अप्लाई हो जाए। अगर एक आंख का ठीक हो भी जाए तो दूसरी आंख का हमारे से वैसे ही चेंज हो लगता है। तो मैंने ना कुछ तरीके जो है वो देखे थे, मैंने सोचा चलो आज जो है ना वो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो टेप वाला है कि नोज़ पे लगा के टेप जो है आइज़ के साइड से निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो है ना मैं ये वाला ट्राई करूँगी, और ये वाला कोई ईजी भी नहीं था। मतलब सांस रुक रहा था मेरा, जो तो वैसे ही सांस बड़ी मुश्किलों से आता है, तो जब मैंने नाक पे टेप लगा ली तो मुझे वैसे ही सांस नहीं आ रहा था। फिर भी जो है ना मतलब, और ये मेरे से मतलब सेट ही बहुत मुश्किलों से हुआ था कि एक आँख का कुछ हो रहा था और एक आँख का कुछ हो रहा था, तो फिर भी जो है ना लाला करके मैंने लगा लिया। तो मैंने सोचा कि ना कलरफुल आईलाइनर लगाते हैं। तो अच्छा, इस ट्रिक से जो है ना कलरफुल आईलाइनर बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो आप जो है ना कलरफुल आईलाइनर अगर आपको लगाना तो आप ये वाली ट्रिक जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। और कमिंग डेज में जो है ना मेरी कि आप घर में जो है ना कलरफुल आईलाइनर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो वीडियो भी जो है ना कमिंग सून है। रिकॉर्ड मैंने कर ली हुई है एडिटिंग वगैरह करके, इंशाल्लाह जिस दिन का वो होगा उसका अपलोडिंग का उस दिन वो आ जाएगी इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पे जो है ना एक आंख का तो बहुत ही अच्छा विंग बना था, और एक आंख का जो है ना हाफ बन गया था, हाफ नहीं बना था। तो फिर जो है ना वो जो है मैंने ब्रश से बना लिया था, तो कलरफुल जो है ना इस तरह लग गया था। ब्लू आईलाइनर वैसे ही अच्छा लगता है, ये देखें इस आंख का कितना अच्छा लगा, और इस आंख का विंग बनानी बस वो लगा है। मैं कह रही थी ना मेरे से दोनों आंखों की टेप बराबर नहीं लग रही थी। फिर जो है ना मैंने ब्रश पकड़ के जो है ना उससे ही जो है ना इस आंख का भी जो है ना छोटा सा विंग जो है वो बना लिया था, क्योंकि फिर मैंने कहा चलो फाइनल लुक देखते हैं। और इस अब जो है ना कलरफुल आईलाइनर ही जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं जब से मैंने ये ट्राई किया है। तो आगे मैंने खो कलरफुल आईलाइनर ट्राई किया वो भी आप देखिएगा, वो मैंने किस तरह किया वो भी इंशाल्लाह उसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखें इसका जो है ना मैंने विंग बना लिया है, ठीक हो गया, ये हमारा ब्लू आईलाइनर जो है ना वो अप्लाई हो गया। सेकंड जो है वो मैंने किस तरह लगाया है वो भी जो है मैंने टेप की मदद से लगाया है। वो जो है ना छोटा सा आपने टेप का टुकड़ा कट करना है, वो सिर्फ आइज़ के नीचे आपने लगा लेना है, ठीक है। ये जो है ना आपका विंग जो है ना उसको शार्पनेस देगा और बहुत प्यारी लुक जो है ना वो देता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पेन आईलाइनर यूज़ किया, वो मैं लगा रही थी और वो जो है ना बीच में सूख गया था, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। तो वो जो है ना सूख गया था, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने उसकी निब वगैरह चेंज करके उसको लगाने की फुल ट्राई करके और जो है ना मैंने फिर लगा ही लिया था जैसा भी लगा। तो आप देख सकते हैं नीचे से इसकी लुक कैसी आई है, मतलब अच्छी आई है, नीचे से ना शार्प आई है। इसके बाद जो है ना एक मैंने ये देखा था कि ये आपने डॉट डॉट लगाने हैं, ठीक है, बाद में इन डॉट्स को जो है ना मिला देना है। इस तरह करके पहले आपने डॉट्स लगा लेने हैं। यहाँ पे भी जो है मैं कलरफुल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, वो मैंने कैसे यूज़ किया वो मैं इंशाल्लाह वीडियो डिटेल जो है ना वो बनाने वाली हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं पहले जो है ना मैंने डॉट्स लगाए हैं, अब जो है ना मैं उन डॉट्स को जो है ना मिला दूँगी और आप लोग देखिएगा कितनी अच्छा ये बना था। मुझे सबसे अच्छा ये लगा है, इसकी लुक जो है ना वो बहुत प्यारी आई थी एंड पे। तो अब आप लोग देखिएगा, मतलब मैंने यहाँ पे स्लो स्लो लगाया है लेकिन ना मतलब इसकी लुक बहुत प्यारी आई थी। तो जो बिगनर्स हैं ना वो ये वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाकियों में जो है वो टेप ढूंढो, लाओ लगाओ, स्किन खींच जाए, और अगर पहले फाउंडेशन वगैरह लगा लिया फाउंडेशन उतर जाए वो सब कुछ स्यापे होंगे। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग ये वाला लास्ट में ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि वो कैसा लगा आप लोगों को। तो एक आँख का मेरा लग चुका है, दूसरे आँख का जो है ना मैं आप लोग के सामने लगा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं पहले मैंने डॉट लगाए और अब इसको जो है ना मैंने थोड़े से स्किन खींच के तो अपना जो ना वो विंग क्रिएट कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों आंख का लगा भी सेम है ये, और जो है ना इसकी लुक भी बहुत प्यारी आई है। तो इनर कॉर्नर से जो है ना विंग ठीक नहीं बना था, फिर भी जो है ना अच्छा बना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।